Assalamualaikum, hello friends, welcome to my channel. आज हम बनाने जा रहे हैं मटन देगी कोरमा. मटन देगी कोरमा बनाने के लिए हमने लिया हुआ है मटन 500 ग्राम्स. ये हमने दो अनियन लिए हुए हैं. अनियन को हम बारीक काट कर और इसे फ्राई करके ले लेंगे. ये हमने गरम मसाले खड़े लिए, चार लौंग लिए, चार इलायची लिए. इलायची का मुँह इस तरह से हमने खोल दिया हुआ है. तीन टुकड़े हमने दालचीनी के लिए हैं और एक चक्री फूल लिया हुआ है स्टार एनिस और एक बे लीफ लिया है तेज़पत्ता. सॉल्ट टू टेस्ट लिया हुआ है. टू टेबलस्पून हमने ऑयल लिया है. 150 ग्राम्स हमने दही लिए, इसको हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है. टू टेबलस्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया हुआ है. 1.5 टीस्पून हमने कोरिएंडर पाउडर लिया है. हाफ़ टी स्पून हमने गरम मसाला पाउडर लिया है. क्वार्टर स्पून हमने हल्दी पाउडर लिया है. क्वार्टर टी स्पून हमने ब्लैक पेपर पाउडर लिया है. 1 टीस्पून हमने ज़ीरा पाउडर लिया है एंड 1.5 टीस्पून हमने रेड चिल्ली पाउडर लिया हुआ है. देखिए हमने एक डेगची ली हुई है. हम ये डेगची में ही बनाएंगे. सबसे पहले हम इसके अंदर मटन को ऐड करेंगे. सॉल्ट ऐड कर देंगे, ज़ीरा पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, दही. इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और ये गरम मसाले भी सब ऐड कर देंगे. अच्छी तरह से हम मिक्स करके इसको मैरिनेट होने के लिए हम इसी तरह से एक घंटे के लिए रख देंगे, क्योंकि मटन है, मटन गलने में वक्त लगता है. एक घंटा मैरिनेट होने से ये मटन जल्दी गल के पक जाएंगे. हम इसी पॉट में इसको पकाएंगे बाद में. हम कुकर नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम इसी डेगची में बनाएंगे. अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और इसको हम ढक कर एक घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे. इसको जितना ज़्यादा देर तक हम मैरिनेट करेंगे उतना ही अच्छा मसाला गोश्त में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा और गोश्त जल्दी गल भी जाएंगे. गरम मसाला भी हम ऐड कर देंगे. ऑयल हम बाद में ऐड करेंगे. जब हम इसे पकने के लिए गैस पे चढ़ाएंगे तब हम ऑयल ऐड करेंगे और तला हुआ प्याज को पेस्ट बनाकर ऐड करेंगे. ये देखिए हमने दोनों अनियन को बारीक काट के इसे फ्राई कर लिया है और अब इसको हम ग्राइंड करके ले लेंगे. ये देखिए हमारा चिकन मैरिनेट हो गया. इसको हमने एक घंटे तक मैरिनेट करने रख दिया था. अब हमने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया हुआ है. अब इसको हम पकने देंगे. हम इसको स्लो फ्लेम पे ढक कर आधा घंटा पकने देंगे. जब हमारा गोश्त अच्छी तरह से भुन जाएगा उसके बाद हम फिर इसको खोल कर देखेंगे. अब इसमें हम ऑयल भी ऐड कर देते हैं. 5 मिनट के लिए फास्ट फ्लेम कर देंगे, उसके बाद फिर हम स्लो करके ढक देंगे. इसको मिक्स कर देंगे. गैस का फ्लेम फास्ट है, देखिए पकना शुरू हो गया है. 5 मिनट तक हम इसे फास्ट आंच पे पकने देंगे, उसके बाद हम स्लो करके ढक देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि जले नहीं. देखिए 30 मिनट्स हो गए पकते, अभी तक हमारा गोश्त टेंडर नहीं हुआ है. इसको हमें और बनाना है. इसमें हमने कोई पानी नहीं ऐड किया है, ये गोश्त का ही पानी है. अब ये जो अनियन हमने फ्राई करके ली हुई थी और ग्राइंड कर लिया था, अब इसे भी हम ऐड कर देंगे.
और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और हम इसमें कोई पानी अभी ऐड नहीं करेंगे। हम इसी तरह से इसको मिक्स करके और अच्छी तरह से ढक देंगे ताकि इसकी जो भाप है वो बाहर नहीं निकले, और हम इसे पकने देंगे गोश्त गलने तक। गोश्त भी गल जाएगा और मसाले भी अच्छी तरह भुन जाएंगे। ये देखिए हमारे गोश्त में पानी बिल्कुल नहीं है, पानी ड्राई हो गया है और गोश्त भी ऑलमोस्ट गल गया है। अब इसके अंदर हम आधा गिलास पानी ऐड कर देंगे। मिक्स कर देंगे। और इसे हम ढककर 10 मिनट तक पकने देंगे। ये देखिए हमारा मटन देगी कोरमा तैयार हो गया है। हमारे गोश्त भी अच्छी तरह से गल गए हैं, काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है, कलर भी बहुत अच्छा आया है। हमने इसको डेगची में बनाया है, इसके लिए हमें 1 घंटा लगा है गोश्त गलने में। अगर आप चाहें तो इसे जल्दी में है तो कुकर में बना सकते हैं, प्रेशर कुकर में तो क्या 3-4 सीटी में जल्दी बन जाता है, पर जो टेस्ट डेगची में बनाने का आता है वो कुकर में नहीं आता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा टेस्ट आता है। तो प्लीज़ आप भी बनाइए। हम आधा कप पानी डाल रहे हैं थोड़ी सी ग्रेवी के लिए, अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम फास्ट कर देंगे, 2 मिनट इसको ऐसे ही पकने देंगे, उसके बाद हम डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए हमारा मटन देगी कोरमा बनके तैयार हो गया, हमने इसको डिश आउट कर लिया है। प्लीज़ आप भी बनाइए, खाइए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, मेरी डिश को लाइक कीजिए। अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।